अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपको आज बताने जा रही थी कि मैं आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसिंग के डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे और प्यारे हैं। और मैं आपको और भी दिखाऊंगी, आज हम देखते हैं फिर। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये भी गोटे का काम हुआ हुआ है। ऐसे ड्रेस बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगर आपने बनवाने हो तो ये आपको आइडियाज़ भी यहीं से मिल जाते हैं। तो हमारा भी यही मकसद होता है बनाने का, कि कोई आइडियाज़ मिल जाए। हम भी ऐसे ही, हमें कज़ने बताती हैं, एक दूसरे को मशवरा देते हैं, फिर वही पता चलता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ हमें बनवानी चाहिए और क्या ट्रेंड है। और इन चीज़ का ट्रेंड भी चल रहा है कि कभी गोटा किनारी या लेसिस वगैरह। तो इसके साथ और ये भी ड्रेस है, इतने प्यारे फूल बने हुए हैं, ये सब हाथ का बना हुआ है। और दिखा, और दिखाओ। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो मैं आपको के बता रही थी पहली वीडियो, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी मुमानी जो कढ़ाई करती है, रेटे का काम करती है, उस पर ये बना हुआ है। ये कुर्ता है लड़के का, लेकिन ये पहने हुए इतना प्यारा लगता है। ये सब ब्रांडेड के ही होते हैं, ये भी हम वैसे ही हमें मिल जाता है, हर कोई आजकल नेट पे देखकर, यूट्यूब पे देखकर ही डिज़ाइनिंग वगैरह करवाते हैं, और हम भी वहीं से ही कुछ ना कुछ वहाँ से भी आइडियाज़ ले लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने बनवाने हों तो हमसे रابطہ करें। अगर आप इसी सिटी में रहते हैं, लोधना शहर में, अगर आपने ऐसे डिज़ाइन बनवाने हों तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, बच्चों के या बड़े, ये सब हैंडमेड हैं, और ये पायदार कपड़ा है, और इस पर जो भी काम करो ये ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है। और अच्छा, आप ये कौन सा कपड़ा है, इस कपड़े को क्या नहीं खेल रही है ना, मेरी हिम्मत नहीं बाहर बिल्कुल ही। अच्छा, आप ये कौन सा कपड़ा है, इस कपड़े को क्या कहते हैं वैसे? ये आर्गेंजा कपड़ा है, और इस पर टोटल ये हैंडमेड काम किया हुआ है, और ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस पर पहले ही हमने जो हैंडमेड यानी कि आर का काम होता है, ये आज से कई साल पहला पुराना काम है, लेकिन आज तक भी ये ऐसे जा रहा है काम ट्रेंड पे, और ये कभी भी ख़राब होने वाला काम नहीं है, चलने वाला काम है। अब मैं आपको टोटल हाथ की कढ़ाई के ये सब दिखाऊँगी। ये देखो, ये बाजू के बंस बने हुए हैं, ये बच्चों के फैरी बने हुए हैं। इसे उठा कर दिखाओ ज़रा, इसे उठा कर दिखाओ, और इसकी इसमें वॉल्यूम आ जाता है जब हम इसमें कुछ ऐसे लगा देते हैं ना नेट और नीचे, तो इसमें वॉल्यूम आ जाता है, तो ये बच्चों को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। चल, अब हम आपको ये दूसरा फ्रॉक दिखाने लगे हैं। ये टिशू का काम किया, ये टिशू का कपड़ा है, और इस पे ना सितारा वगैरह लगा हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। बच्चों को ऐसे फेरी फ्रॉक बहुत प्यारे लगते हैं, और इसके नीचे देखो हमने कितना कुछ लगाया हुआ है। ये देखें, पहले हमने ये टिशू लिया, ये ब्रांड का टिशू है, और टिशू आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये चलने वाला कपड़ा है। नीचे हमने फिर हमने कथान सिलक ली, पहले हमने टिशू लगाया, फिर कथान सिलक ली, फिर हमने फ्रॉक को वॉल्यूम देने के लिए, ताकि वो फेरी फ्रॉक लगे, वॉल्यूम देने के लिए इसके नीचे हमने ये नेट लगाई, उसके नीचे फिर हमने ये कपड़ा लगाया, ताकि बच्चा आराम से पहन सके, बच्चे को जलन महसूस ना हो। ये अगर लगा, ये नेट लगाने के लिए तो नीचे हमें शमोज लगानी पड़ती है, ताकि बच्चा इजी होकर पहने। अब इसे ऐसे ऊपर को करो, अब आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम आया हुआ है। और इसे हमने बड़ी मेहनत से हमने इसे स्टिच करवाया है,
आपने अगर ऐसे स्टिच करवाने हो या ऐसे डिज़ाइन वगैरह बनाने हो तो हमसे रब्ता करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मैं अब आपको ये न्यू डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। एक तो हम गर्मियों के लिए लोन के सूट लेते हैं, लोन का सूट लेकर उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो उस पर ये देखिए हैंडमेड है। ये टोटल यहाँ से ये गला है, ये गला है और यहाँ पे ये बंच आ रहा है। इस पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल सारा हैंडमेड काम किया हुआ है। यहाँ पर ये बंच आ रहा है, बंच पे देखो आर का ये फेर दिया हुआ है, इसमें सितारा और इसमें मोती वगैरह फिट है। और ये बाजू है इसके, ये बाजू है और ये इसका दामन है। हम ये कहते हैं कि लोन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसकी लोन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये है कि ज़्यादातर लोन पर काम करने के लिए सिंपल लोन लेने से अच्छा तो हम सेल्फ़ लोन ले लें। सेल्फ़ लोन पे बहुत ज़्यादा काम अच्छा लगता है, वो मज़ीद उसमें खूबसूरती आ जाती है। और इसका दुपट्टा दिखाओ आप, और ये इसका दुपट्टा है और ये इसका दुपट्टा है। आप देख सकते हैं कि अब ये कितना खूबसूरत बन गया, ये देखो। और इसका साथ टिशू का दुपट्टा है, टिशू के साथ हमने ये अटैच कर दिए हैं बाजू। और उसके बाद ये दुपट्टा, ये दामन आप देख सकते हैं। हमारा बताने का मकसद ये है कि हम आपको घर बैठे बैठे ऐसे आइडियाज़ वगैरह दे सकते हैं कि लोन को किस तरह खूबसूरत किया जाता है। क्योंकि हमारे माशरे में कहा जाता है कि लोन सिर्फ एक सादा है, लेकिन हम सादा कपड़ा है, लेकिन उस सादे कपड़े को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। देखो ये टोटल हाथ का काम किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपने ऐसा कुछ बनाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें, वीडियो को फॉलो भी करें। हम आपको मज़ीद ऐसे आइडियाज़ अच्छे अच्छे देते रहेंगे। खा गए तुम? अच्छा, तो दूसरा सूट ये है। तो ये देखें, ये मैं कंप्यूटर वाली मशीन पे बनाया हुआ है और ये रेटे की मशीन पे बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खिल रहा है ऊपर से कलर भी। और इसका दामन है, ये शर्ट है, ये गला और ये दामन है। ये भी सेल्फ प्रिंट में है और ये इस कपड़े पे बनवाने का यही होता है कि जैसे ही ये हाथ की कढ़ाई करवाते हैं उसी के साथ ही कपड़ा भी उसी तरह से ही इस्तेमाल होता है और ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता। कढ़ाई अक्सर कपड़ों पे कढ़ाई रह जाती है और कपड़ा जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो सेल्फ प्रिंट पर यही होता है कि कढ़ाई के साथ साथ ही कपड़ा चलता है। इसके अलावा और भी मैं आपको स्टिच हुए हुए भी सूट दिखाऊंगी, जो कि स्टिच हुए हुए बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग में लैसे वगैरह लगी हुई। दुपट्टे पे ऐसे ही लैसेस वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, पल्लू पे पहनते हुए दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी शर्ट भी आपको दिखाते हैं, ये इसकी शर्ट है, ये दुपट्टा है इसका। तो ये स्टिच हुआ हुआ देखें कितना प्यारा लग रहा है। हम अगर इस तरह के सूट लेते हैं तो उसे सिंपल सीते हैं तो वो सिंपल में ही आ जाता है। तो लड़कियों को ये बहुत ही फ्रॉक अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं चुन्नट वगैरह और यहाँ पर हमने यहाँ पर किया हुआ है पाइपिंग और उसके ऊपर लगे हुए हैं बटन। ये प्रिंटेड सूट है, थ्री पीस सूट है। अगर प्लेन सूट भी हर वक्त नहीं पहन सकता तो बंदा ऐसे सूट लेता है एम्ब्रॉयडरी वाले और डिज़ाइनिंग वाले, तो उस पर इस तरह के लेसिस वगैरह लगा कर इस तरह से कट वाले फ्रॉक बनाकर तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके दुपट्टे पे ये देखें, पल्लू पल्लू पे इतनी प्यारी लैस लगी हुई है। और ये पीको भी
करवाई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये माशाल्लाह। गरम चाय।